टीवी सच साहस सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। कर्नाटक में 4 किसानों ने की आत्महत्या की कोशिश, बीजेपी विधायक पर परेशान करने का आरोप। झारखंड सरकार ने राज्य हिंसा आरोपियों का पोस्टर जारी करने पर राज्य एसएसपी से मांग सफाई मांगी। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों में होगी शुरू, 45,000 बहाली, एयर मार्शल ने दी जानकारी। सिक्किम में पुलिस की गाड़ी खाई में गिरी, 3 पुलिस कर्मियों की मौत, 4 घायल। राष्ट्रपति चुनाव पर 17 विपक्षी दलों की मीटिंग, ममता ने फारूक गोपाल गांधी का लिया नाम। ओडिशा में युवा हाथी का शिकार किए जाने की घटना पर केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, सख्त कार्रवाई के निर्देश। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा ईडी ने राहुल गांधी के साथ किया अमानवीय व्यवहार। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, बदसलूकी का लगाया आरोप। नागपुर में अवैध शराब बेचने वालों की चाकू मारकर हत्या, मृतक और नाबालिग आरोपी, दोनों में ही थे गहरी दोस्ती। अग्निपथ योजना के खिलाफ दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, बिहार में रेलवे ट्रैक पर धरना दे रहे युवा, ट्रैफिक प्रभावित। तीन गैंगस्टरों ने ऐसे रची मूसेवाला के मर्डर की साजिश, नशेड़ी ने दी सूत्रों को हाल पर जानकारी। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड, 48 घंटे में ओडिशा में पहुंचेगा मानसून, गुजरात बंगाल में बारिश होगी। धर्मशाला में पीएम मोदी का रोड शो, प्रधानमंत्री के आने से पहले युवाओं का प्रदर्शन, अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध। कैंसर के बाद एचआईवी का इलाज मिला रिसर्च में दावा, वैक्सीन की सिर्फ एक डोज से बीमारी खत्म होगी, जाने कैसे करती है काम। राजनाथ सिंह ने किया ममता समेत इन नेताओं को फोन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर सहमति बनाने को लेकर हुई चर्चा। बस्ती में भीषण सड़क हादसा, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। श्रीकांत शर्मा ने डीएम एसएसपी के साथ की बैठक, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने टीपी प्लांट का किया निरीक्षण, कार्य पूरा न होने पर जताई नाराजगी। वाराणसी में काशी मटरू की दहशत, 7 लाख देकर वसूलते हैं 70 लाख संपत्ति, कर सकते हैं कब्जा, एक ने किया सरेंडर।
अमेठी में बदमाशों ने बुजुर्ग पर चढ़ाई बाइक। हादसे में बुजुर्ग की मौत, लूट कर भागते समय घटना को दी अंजाम। पति का शव जमीन पर, कुर्सी पर बैठी थी पत्नी। वाराणसी में संदिग्ध हालत में जनरल स्टोर संचालक की मौत। झुमू के लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क। मथुरा में डीएम एसएसपी ने किया पैदल मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। हिंसा के विरोध में यूपी में प्रदर्शन। कानपुर में गुरुदेव चौराहे पर बजरंग दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। बलिया में सड़क हादसा, दो की मौत। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में हुई टक्कर, दो दोस्तों की मौत, महिला घायल। नूपुर शर्मा मामले में हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई जारी। गुरुवार तक 357 हुए गिरफ्तार। यूपी में जुमे की नमाज के लिए कड़ी सुरक्षा के निर्देश। संवेदनशील जिलों के लिए 130 कंपनी पीएससी का, 10 कंपनी आरएफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बिजली व्यवस्था को लेकर तंज। बोले, शासन की अकुशलता से रुला रही है बिजली। मेरठ में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, पर्यावरण को पवित्र मानकर संरक्षण की परंपरा शुरू करें, जंगलों को बचाना होगा। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर लगाया बड़ा आरोप, कहा चुनाव से पहले कराना चाहते थे दंगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की सख्त हिदायत, शिकायत निस्तारण में ढिलाई बरतने वालों पर करे कठोर कार्रवाई। मथुरा में तेज रफ्तार कैंचर ने बाइक सवार सिपाही को रौंदा, मौके पर मौत। फिरोजाबाद में पत्नी गई थाने, प्यार में पागल, पति ने दे दी जान, प्रेमिका को लेकर हुआ था झगड़ा। बसपा मुखिया मायावती बोली, सेना में भर्ती की नई नीति की प्रक्रिया अनुचित, युवाओं के साथ छलावा। खुदाई में मिली प्राचीन काल की मूर्ति सुल्तानपुर में, डीएम के निर्देश पर प्रशासन ने मूर्ति को कब्जे में लिया, आज पुरातत्व विभाग की टीम करेगी जांच। अगस्त को अलीगढ़ में लहराएंगे 9,00,000 तिरंगे। अलीगढ़ में हर घर की छत पर नजर आएगा राष्ट्रीय ध्वज। ट्रांसफर पोस्टिंग पर यूपी सरकार सख्त, तबादले के बाद एक हफ्ते में ज्वाइन नहीं किया तो होगी छुट्टी। बांदा में डीएम ने धर्म गुरुओं से मांगा सहयोग, जुमे के दिन शांति बनाए रखने की अपील। बोले, अफवाहों पर ध्यान न दें। कुवैत भेजने के नाम पर 30,00,000 ठगे। गाजियाबाद के फ्रॉड ने देवरिया बिहार के लोगों को लगाया चूना, पासपोर्ट रकम ऐड कर फरार। बिजनौर में युवक की गोली मारकर हत्या, चंदक से लौट रहा था घर, गुआखेड़ी में के पास घात लगाकर बदमाशों ने किया हमला। वाराणसी में कांशी राम आवास खाली न करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा, अवैध कब्जेदारों की सूची चश्मा।
प्रदेश के जिला अस्पतालों पर रहेगी सरकार की नजर, सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी निगरानी। सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में दोबारा जांच नहीं होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्ण मूल्यांकन की मांग। सुल्तानपुर में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट पर रोष, शिकायत कर कार्रवाई की मांग, पुलिस ने साइबर सेल को जांच के आदेश दिए। सीतापुर में प्रबंधक ने प्रिंसिपल को चप्पलों से पीटा, शिकायत करने पहुंचे बेटे और पत्नी पर तानी रिवॉल्वर। चंदौली में ग्राम प्रधान सहित 6 लोगों पर मुकदमा, प्रधान बोले राजनीतिक दबाव का शिकार। उत्तराखंड सदन में गरमाया एसएससी भर्ती परीक्षाओं का विवाद, सीबीआई जांच के लिए विपक्ष का प्रदर्शन। उत्तराखंड बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक, कहा 5 साल में इतना कर्ज जो 17 साल में नहीं हुआ। पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के बीच डीएम ने बुलाई आपात बैठक, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। सार में गृह मंत्री के वायरल फर्जी पत्र मामले में मुकदमा दर्ज, सीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ बेरोजगार युवकों का जमकर प्रदर्शन, सड़क जाम। देहरादून के एक रिसोर्ट में चल रही थी ऑनलाइन कैसीनो पार्टी, पुलिस ने छापेमारी कर 26 लोगों को लिया हिरासत में। चारधाम में अब तक 195 श्रद्धालुओं की गई जान, हार्ट अटैक श्रद्धालुओं की मौत का मुख्य वजह। ड्रग तस्करी के खिलाफ धामी सरकार की सख्ती, उत्तराखंड में जल्द एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स का गठन होगा। फ्री राशन बांटने को लेकर धामी सरकार का फैसला, डिजिटल राशन कार्ड से मिलेगा मुफ्त का गेहूं, चावल और चीनी। बिजली संकट के बीच 120 मेगावाट खोदरी पावर हाउस में लगी आग, टरबाइन जलकर राख, करोड़ों रुपए का नुकसान। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क पर बिजरानी जोन 30 जून को होगा बंद, पर्यटकों को नहीं मिलेगा प्रवेश। एनडीआरएफ की टीम ने अल्मोड़ा में संभाला मोर्चा, आपदा की घटनाओं से निपटने के लिए 24 घंटे रहेगी तैयार। युवती से सामूहिक दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20 साल की कैद, तीनों पर 40,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अल्मोड़ा जिले में 23 प्रधानों का निर्विरोध चुना जाना तय, 23 ग्राम सभाओं में एक एक प्रत्याशी के किए नामांकन पत्र दाखिल। उत्तरकाशी में 46 अमृत सरोवर पर शुरू हुआ काम, स्वतंत्रता दिवस पर इन अमृत सरोवर के पास ध्वजरोहण का होना है कार्यक्रम। ब्रिटेन में भारतीय मूल के डॉक्टर को जेल, रेप के आरोप में कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा।
चीन को अंतरिक्ष में बड़ी सफलता, चंद्रमा पर मिला पानी और जल स्रोत। चीन में मंकी पॉक्स के मामले 500 के पार, डब्ल्यूएचओ वायरस को जल्द कर सकता है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। अमेरिकी फेड रिजर्व ने 0.75 से बढ़ाकर 1.75% की दरें, 28 साल से सबसे बड़ी बढ़ोतरी। राष्ट्रपति जिनपिंग का खतरनाक प्लान, सेना को दूसरे देशों में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस का आदेश। यूक्रेन में शांति के लिए शी जिनपिंग मध्यस्थता को तैयार, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से वार्ता कर रखा प्रस्ताव। यूएन के साथ 47 देशों ने लगाई चीन की क्लास, उइगर मुसलमानों पर रिपोर्ट पब्लिश करने की मांग। यूक्रेन पर पुतिन के करीबी दमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, दुनिया का अंत निकला। अफगानिस्तानी किसानों को विश्व बैंक में 15 करोड़ डॉलर की मदद, 69.3 करोड़ की परियोजना पहले ही मंजूर। पाकिस्तान में 233 रुपए में मिल रहा 1 लीटर पेट्रोल, एक दिन में 24 रुपए की बढ़ोतरी। देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंप सूखने की खबर, सरकार और तेल कंपनियां बोली घबराए नहीं, सप्लायर्स नॉर्मल है। एलपीजी कनेक्शन लेना हुआ महंगा, तेल कंपनियों ने एलपीजी कनेक्शन पर 750 रुपए बढ़ाए, 2 सिलेंडर पर 1500 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। बिल गेट्स ने एनएफटी की तुलना ग्रेटर फूल थ्योरी से की, इससे पहले भी कर चुके हैं क्रिप्टो की आलोचना। हवाई सफर हो सकता है महंगा, 10 से 15 बढ़ सकता है एयर फेयर। यूएई ने किया भारत से गेहूं नहीं लेने का फैसला, 4 महीने के लिए निर्यात करेगा निलंबित। टमाटर दिखा रहा ताव, 100 के पार पहुंचा भाव, 1 महीने में 44% महंगा हुआ टमाटर। महंगे हो सकते हैं वूट के प्लान, अभी 299 रुपए में मिलता है 1 साल का सब्सक्रिप्शन। एंड्रॉइड से आईओएस में व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर, नए फीचर के मदद से 7 स्टेप में डेटा ट्रांसफर करना होगा मुमकिन। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, आर्थिक सुधारों में भारत ने लगाई 6 अंकों की छलांग, 43वें से 37वें स्थान पर आए। 10 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर आईपीओ लाएगी कोपनो, कर्मचारी की संख्या भी बढ़ाएगी। विराट कोहली को लेकर अफरीदी का बड़ा बयान, बोले क्रिकेट में टाइम पास कर रहे हैं, विराट एटीट्यूड पर उठाए सवाल। बीसीसीआई की ताकत से फिर घबराया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईपीएल के खिलाफ दूसरे बोर्ड को करेगा एकजुट।
कमाई में इंटरनेशनल मैचों से आगे आईपीएल बीसीसीआई को हर पल आईपीएल मैच से मिलेगी 118 करोड़ रुपए, टेस्ट टी20 और वनडे में 58 करोड़ से ज्यादा। मनोज तिवारी ने रणजी ट्रॉफी में ठोका बैक टू बैक दूसरा शतक, बंगाल के खेल मंत्री ने सेमीफाइनल में दिखाया दम। नेशंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में इंग्लैंड के 94 साल बाद घर में मिली करारी हार, हंगरी 4-0 से रौंदा। आयरलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का प्लान, हार्दिक पांड्या कप्तान, राहुल त्रिपाठी नया चेहरा। डेविड वार्नर ने नामुमकिन को किया मुमकिन, श्रीलंका के खिलाफ पकड़ा ऐसा अद्भुत कैच, गेंदबाज ने अपना सिर पकड़ा लिया। आईसीसी टी20 रैंकिंग में ईशान का धमाल, 68 बल्लेबाजों को पछाड़कर पहली बार टॉप 10 में पहुंचे, टेस्ट में जो रूट नंबर 1 बने। आईपीएल 2023-2027 तक के मीडिया राइट्स में बीसीसीआई को बंपर हुआ फायदा, हर एक गेंद से कमाए 39 लाख रुपए। ऑस्ट्रेलिया के स्टीफन नीरो ने तोड़ा पाकिस्तान क्रिकेटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में 13 शतक लगाने वाले बने पहले बल्लेबाज। सिनेमा घरों में अक्षय कुमार से भिड़े आमिर खान, रक्षाबंधन के से लाल सिंह चड्ढा का होगा बॉक्स ऑफिस पर क्लैश। सोशल मीडिया पर घिरी अभिनेत्री साई पल्लवी, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और मॉब लिंचिंग को बताया एक जैसा। वरुण धवन के पिता डेविड धवन हुए अस्पताल में एडमिट, जुग जुग जियो का प्रमोशन बीच में छोड़कर भागे एक्टर। जल्द रिलीज होने जा रही हॉटस्टार स्पेशल की नई सीरीज शूरवीर, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने किया ऐलान। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में नजर आएंगी रेखा, एवरग्रीन ब्यूटी के लिए लिखा गया खास रोल। कॉमेडियन को हुआ कोरोना, वीरदास की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। करण जौहर को सिंगल होने का गहरा अफसोस, बोले अब लाइफ पार्टनर के लिए बहुत देर हो चुकी। शक्तिमान पर बनेगी 300 करोड़ की फिल्म, सोनी पिक्चर से डील पर मुकेश खन्ना का पहली बार खुलासा। आश्रम 3 ने बनाया ये रिकॉर्ड, निराला बाबा का चला जादू, भारत के बाद अब ग्लोबली 33 देशों में हुई रिलीज। तंगी के दिनों को याद कर इमोशनल हुए अनिल कपूर, बोले मां खुद ऐसे लिए कपड़े सिलती थी। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।